हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और काफी टाइम बाद आज नया व्लॉग आ रहा है क्योंकि आज हम जा रहे हैं वैष्णो देवी माता के मंदिर। और आपको पहले वाला नहीं दिखाया, क्या सीन, बड़ी मुश्किल से अरेंजमेंट्स हुए, पता नहीं कैसे हम एकदम से हमने स्टार्ट कर दिया ट्रिप। हाँ जाना है, पहले हाँ हुई ना हुई, बट नाउ वी आर गोइंग। और सब तैयार हो रहे हैं एंड ये चाय वाय चल रही है, बस सुबह की तैयारी। सुबह के 7 बज चुके हैं, 3 बजे का प्लान था, कोई उठा ही नहीं। 3 बजे का सुबह का प्लान था पर कोई बंदा उठा ही नहीं। और अब 7 बजे हमने कहा चलिए जाना तो है ही, तो जाना तो जाए। रेडी नाउ और मैं अपने घर को लॉक व्लॉक करके अपने कमरे का हाल बहुत ही बुरा हो रखा है। आईफोन की चार्जिंग केबल मैं आपको दिखाता हूँ, ये चार्जिंग केबल निकल रही है छोटी सी, सो दैट की इसमें पावर बैंक है मेरे पास 2000 mAh का और एक 10000 mAh का। और इसके अंदर मेरा स्कार्फ, मेरा मफलर एंड आई एम रेडी टू गो कम्प्लीटली 100%। एंड अब जा रहे हैं हम और बस निकलने वाले हैं, पापा कार बाहर निकाल रहे हैं। हम आपको आगे आगे दिखाएंगे कैसे इतने सर्दी के मौसम में ये जो इंस्टेंट ट्रिप बना, हम इसको कैसे इंजॉय कर पाते हैं, क्या होगा वहाँ जाके क्या नहीं, सारी स्टोरी आपको बताएंगे। अभी स्टार्टिंग में मैं सोच रहा हूँ मैं ड्राइव करूँ सुबह सुबह, उसके बाद पापा ड्राइव करेंगे। मिलते हैं आपको आगे आगे। इस कार में बैठ गए और निकल चुके हैं बहुत ही, ये लो आते ही रास्ता उल्टा पड़ गए थे। बहुत बड़ा पॉपट होने के बाद अब यहाँ पे हम सारा सामान, धनु दीदी के पूरा बैग भूल गए थे, फिर दोबारा वापस आए हैं, अब दोबारा जा रहे हैं। आधे रास्ते पहुंच चुके हैं और वो हमारी गाड़ी खड़ी है, वो दूर आपको दिख रही होगी। और इसके बाद अब हम जाने वाले हैं अपना नेक्स्ट आधा रास्ता कवर करेंगे। अभी चाय पी रहे हैं यहाँ पे रुक के, ये सभी खड़े हैं बैठे हैं सारे। चाय पीने के बाद अब पापा ड्राइव करेंगे, मैं थक चुका हूँ, मैं सोऊंगा आराम से। हम जिस ढाबे में आए हैं वहाँ पे हुई है बहुत ही हंसी वाली बात, गाइस आप मानोगे नहीं, जेंट्स की स्पेलिंग आप देखिए, जेंट्स वाओ, लेडीज के लेडीज लड़ीज। भाई मारो मुझे सारे की लड़ीज देखो। वाओ चलो हमको सुसू करने से मतलब है। वेलकम टू जंप। अपनी गाड़ी को कर दिया है पार्क और अब हम जा रहे हैं ऊपर जाने की पूरी तैयारी में, चढ़ाई की तैयारी में। हमने डोसा खाया बीच के अंदर जहाँ पे हम रुके खाना खाने के लिए, वो हम दिखा नहीं पाए क्योंकि हमने 4 inch का डोसा ऑर्डर किया और फिर वो कहते हैं कि 4 inch का तो जी हमारे पास है नहीं क्योंकि वो कोई ऑर्डर करता ही नहीं। ओ सॉरी 4 feet का ऑर्डर किया, 4 inch तो छोटा सा है ना, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो वो ऑर्डर किया पर वो कहते हैं इतना एक्सेप्शनल चीजें कोई मंगाता नहीं है तो उनके पास वो था ही नहीं। तो अब हमने छोटे छोटे डोसे खाए, हमने कहा वो तो क्या ही दिखाने हैं, सागर रत्न भी खाया था बहुत टेस्टी था। हमारी कार पार्किंग में लग चुकी है एंड लेट्स गो। इसी के साथ हमारी चढ़ाई हो चुकी है शुरू, वो जाना है हमें माता के दर्शन कर रहे हैं वहाँ पे। और अभी हम सब चल रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये सब चढ़ाई शुरू करते चढ़ते हुए ऊपर। नंदी जी कैसे लग रही चढ़ाई? बहुत अच्छी, अभी तो शुरुआत ही हुई है। मंदिर के मेन चढ़ाई शुरुआत करने के एंट्रेंस गेट पे पहुंच चुके हैं, ऐसा दिखता है हमारा ये एंट्रेंस मंदिर का। गाइस ये देखो मस्त एंजॉय करने की जगह, वो लात लटका के एंजॉय है। वी हैव रीच्ड बाणगंगा, यहाँ पे वैष्णो माता ने अपने केश धोए थे, क्या कहते हैं, प्यास भी लगी थी इसलिए उन्होंने माता से बोला था कि मुझे पानी पीना है, इसलिए माता ने बाण तीर मार के यहाँ अपने केश भी धोए थे और हनुमान जी ने यहाँ पे प्यास भी बुझाई। घोड़ों की प्लानिंग हो रही है कि घोड़े लिए जाएं या ना लिए जाएं, ये खड़े हैं, ये पापा खड़े हैं, मम्मा खड़े हैं, घोड़ों की प्लानिंग हो रही है कि घोड़े लिए जाएं या नहीं। नंदी जी की हवा हो चुकी है टाटा फेस जी,
और इसी के साथ गाइस एक हो चुकी है थोड़ी सी प्रॉब्लम, पापा की लात में पहले से ही काफी प्रॉब्लम थी और अब ये चढ़ाई बहुत स्टीप चढ़ाई है, इसको चढ़ने के लिए पापा के पैर पे मम्मा कर रही है पट्टी। देखते हैं आगे क्या होता है। फर्स्ट माइलस्टोन हम 3 किलोमीटर रह गए अर्धकुंवारी यहाँ से, तो हम अर्धकुंवारी तक का हाफ डिस्टेंस कवर कर चुके हैं और ये है यहाँ से। अब हम यहाँ पे रुके हैं फॉर द टाइम बीइंग। ये श्राइन बोर्ड वालों ने नया कंस्ट्रक्ट किया है, यहाँ पे आप बैठ के चाय पी सकते हो, कॉफ़ी पी सकते हो। 10 रुपये की कॉफ़ी है और कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ये कॉफ़ी का कप है, आप एक बार दीदी से भी एक्सपीरियंस लीजिए इस चीज़ का। अब हम पहुंच चुके हैं हाफ वे, अर्ध कुंवारी तक हम पहुंच चुके हैं एंड देयर वी गो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। इट्स नॉट फार कि हम जल्दी से पहुंच जाएंगे, मतलब पापा के पैर में प्रॉब्लम थी, पापा ने पट्टी बांध रखी है पैर पे, बट लेकिन माता की दया से वी आर एबल टू डू दिस, हम कर सके यहाँ तक। तो दिस इज सो लवली, सो मस्त ना एक्सपीरियंस है। रात को चढ़ रहे हैं, टाइम हो रहा है इस टाइम, मैं आपको बताता हूँ एक सेकेंड, टाइम हो रहा है 9:30। मैम यहीं पे बस अर्धकुंवारी पे जस्ट अपना खाना पीना करने के बाद नाउ वी आर गोइंग। थोड़ी रश ज़्यादा है इसलिए शायद मेरी आवाज़ आपको अच्छे से ना आ रही हो वीडियो के अंदर, पर लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपना 100% देने की। और मतलब यहाँ पे टॉयलेट्स की जो मेंटेनेंस है दैट इज़ नॉट गुड, जिस चीज़ की हम कंप्लेंट कर सकते हैं, टॉयलेट्स की जो क्लीनिनेस है, सैनिटेशन है, दैट इज़ नॉट गुड। लोग सागर रत्ना पर डोसे खा के अभी से हमसे इसी बात में हंस रहे थे, बाथरूम के अंदर सॉफ्टियाँ बना रहे हैं चॉकलेट वाली, बुरा हाल हो रखा है। तो अभी हम आगे का ट्रिप कंटिन्यू करने वाले हैं। वाइज ये है बेसिकली अर्धकुंवारी का जो टॉप है, जहाँ पे आपको दिखेगा सारा कुछ कंप्लीट, जहाँ पे सारी दुकानें खत्म होके माता का मंदिर है, यहाँ पे गर्व जून कहते हैं, जहाँ पे दीदी गर्व जून की क्या महत्वता है? माता ने 9 महीने विश्राम किया था, मतलब माता ने इस गुफा के अंदर 9 महीने विश्राम किया था। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की कोख में 9 महीने रहता है, वैसे ही माता जी को, वैष्णो माता को इस जो गर्भ जून जो गुफा है, इसने उनको शरण दी थी। एडवाइस ले रहे हैं, ठीक है जी, जय माता की अंकल। तो भाई इसी के साथ जर्नी हमारी दोबारा से कंटिन्यू होती है माता के भवन को। Close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust, yeah, no, I don't wanna waste what's left. आपका क्या व्यू रहा है, कैसा रहा आपका ट्रिप? अभी तक तो बहुत ही अच्छा रहा, हालांकि मेरे नी में प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं 6.5 किलोमीटर पैदल चढ़ाई करके आ गया हूँ। तो गाइस अभी हमें यहाँ पे एक बंदा मिला है जिसका पर्स घूम गया, ये पता है क्या है इनका, अरे बंदे बहुत हैं, बहुत बंदे हैं, आप अगर ऐसे भी घर मांगना मना है, ऐसे नहीं होता होता। अभी मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ, जब भी आप ऐसी किसी जगह पे आए तो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही एक खतरनाक चीज नोटिस की है, दो अंकल आंटी जो भी हमने वीडियो में आपको दिखाए वो कहते हैं कि हम घर से दूर हैं, हमारे पास सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, तो हमको प्लीज कुछ पैसे दे दीजिए ताकि हम घर वापस पहुंच पाए। बट लेकिन जब मैंने वीडियो स्टार्ट की उनका पता पूछने के लिए ताकि लोग उनकी हेल्प कर सके, तो उन्होंने एकदम से उनकी वाइफ ने कहा चलो 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 यहाँ से चलो। तो मतलब इसका मतलब यहाँ पे काफी फ्रॉड भी हैं, आपको बहुत ध्यान से देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको जो बहुत, वो कहते हैं कि हम माता के दरबार में खड़े होकर झूठ नहीं बोलेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है, इस चीज का ध्यान रखें, सतर्क रहें। करंटली हम मतलब पीछे लिखा हुआ था जब मैंने स्टार्ट किया था ये वाला रूट कि 5 किलोमीटर भवन है, बट अब जब मैंने गूगल मैप पे सर्च किया तो वी आर हियर जस्ट कवर्ड अप्रॉक्सीमेटली 600 मीटर्स अकॉर्डिंग टू देम, बट हाउएवर यहाँ पे हम, मेरे को लगता है 1.5 किलोमीटर ज़्यादा कवर कर चुके हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग
यहाँ पे कुछ मार्किंग गलत भी है, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना। मम्मी पापा काफ़ी पीछे रह गए एंड आफ्टर हैविंग अ कॉफ़ी नाउ आई एम वेरी एग्जॉस्टेड, बट हाँ पूरा जज्बा है अब यहाँ तक आ गए माता के दर्शन करके जाने और बस चल रहा है और भगवान जी के माता के भजन चल रहे हैं साथ साथ। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट एड सेंटर भी लगा रखा है, डिस्पेंसरीज हैं यहाँ पे। उस टाइम में कह रहा बैठ जा भाई, बैठ जा, पहले नहीं माना। अब गाइस मिनटा कट लिया भाई ने दीदिया। गाइस अब होनिश के पेट में हो रहा है दर्द और इसे चला जा नहीं रहा है और फर्श पे बैठ गया है। एवरीबॉडी इज वेटिंग। अच्छा प्लान में बनाओ। होनिश बेटे क्या हो गया? पोटी है ये, पोटी। ओह माय गॉड, सारे बैठे हैं वेटिंग में। ट्रिप ड्राइवर रिज्यूम हो चुका है बिकॉज हॉनेस्ट जी चलने के कगार पे शुरू हो चुके हैं। नंद दीदी हैं, मरियल तरीके से चल रही हैं बस। फाइनली रीच्ड 1 किलोमीटर, बस यहाँ से भवन 1 किलोमीटर तक का है एंड यहाँ तक का सफ़र वॉज वेरी, मतलब सफ़र वॉज वेरी गुड यार। जो ये भजन साथ चल रहे हैं आपको इतनी हिम्मत देते हैं आगे बढ़ने की, दैट इज़ दैट वी कांट कंपेयर इट विद एनीथिंग एल्स। प्लस रास्ते में इतने अच्छे अरेंजमेंट्स हैं की हुई, बस जिस थोड़ी सैनिटेशन का थोड़ा सा है वो हर जगह ही रहता है, बाकी खाने पीने की आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। इट इज़ सो लवली एंड अब माता रानी के दर्शन करके फाइनली हमें शांति पड़ेगी और हम घर जाएंगे। हंसी चाहते हैं कि माता रानी के खुले दर्शन हो ताकि हम आराम से दर्शन कर सकें। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. माता रानी के दरबार में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आता है लॉकर जहाँ पे हम अपना सारा सामान अंदर एंटर करने से पहले जमा कराना है, चाहे वो जूते चप्पल हो आपके, आपकी कंघी, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, एवरीथिंग आपको यहीं पे सबमिट कराना है। लॉकर नंबर 1 है ये और यहीं से आपको बैटरी कार मिलेंगी, यहीं से हमारी एग्जिट होगी। माता रानी के दरबार से वापस आ चुके हैं नीचे। टाइम इस टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ, टाइम हो रहा है 2:30, ठीक है। और अंदर फ़ोन लेके जाना अलाउड नहीं था, माता के दरबार के अंदर फ़ोन नहीं जाता, इसलिए हम अंदर तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। वो फ़ोन जो है मैंने आपको पहले ही बताया था लॉकर्स में रख देना है। बहुत खुले दर्शन हुए, बिल्कुल रश नहीं था, बहुत खुला मौसम था, बहुत खुली चीज़, सब कोई दिक्कत नहीं आई। बस हम एक चीज़ का मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा, लॉकर 1 में अपने शूज़ मत रखें, शूज़ को आगे जाके रखें क्योंकि आपके पैर ठंड में एक ठुर जाएंगे। दूसरी बात, बहुत दर्द होंगे अगर आप लॉकर 1 में रख देते हैं अपने शूज़ और लगेज को, अपना लॉकर 1 में रख दें चाहे। इट इज़ बेस्ट पार्ट कि ऐसा करें। अब हॉनिश की बहुत दर्द हो रहा है, उसके शूज़ में पेन हो रही है, तो ही इज़ गोइंग, लेट्स सी। गाइज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे दो तरीके के स्टॉल होंगे, एक होगा CCD का, आपको दिख ही रहा होगा, दूसरा नेस्कैफे का है। अब नेस्कैफे की कॉफ़ी ट्राई करें, उसके अंदर पहले से ही शुगर होती है और CCD की कॉफ़ी की क्वांटिटी भी कम है और शुगर भी कम होती है उसमें, एंड इट इज़ द बेस्ट कि आप ये ट्राई करो। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और वी हैव ट्रैवल्ड अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 2 किलोमीटर यहाँ से एंड अब दिक्वारी थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। मम्मी पापा काफ़ी पीछे हैं, मम्मी पापा, मैं अकेला ही चल रहा हूँ। काफ़ी इस टाइम शांत हो गया और टाइम, क्योंकि रात का टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, टाइम हो गया रात के 3:14 हो चुके हैं, बहुत लेट हो गया। अभी आगे का प्लान, पापा तो कह रहे हैं कि वी शुड नॉट ड्राइव नाउ, वी शुड गो फॉर अ स्लीप फर्स्ट एंड देन वी शुड थिंक ऑफ ड्राइविंग, है ना, सो दैट इट शुड बी सेफ फॉर अस एज वेल। पर मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि हमको जाना चाहिए नीचे, रेस्ट करनी चाहिए, घोड़े लेने चाहिए अधकुवारी से आधे रास्ते से और उसके बाद डायरेक्ट नीचे जाना चाहिए। देखते हैं अब क्या इम्प्लीमेंट होता है एंड जिससे जो भी होगा आपको साथ साथ शो करेंगे। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, इस टाइम में मफलर मुंह पर ले रखा था,
जस्ट टू क्रिएट द व्लॉग्स मैंने मफलर को सेट किया है। द एंड हॉनिश और मानसी चले गए हैं घोड़े के ऊपर। चलो भाई जाओ जाओ, हम आएंगे बाद में, आ रहे हैं हम। राइट नाउ जो आप मेरे पीछे देख रहे हो बैकग्राउंड में, ये है बाण गंगा। दिन में, रात को मैं कल आपको दिखा नहीं पाया था बिकॉज रात को बिल्कुल विजिबिलिटी जीरो थी। अभी जैसी विजिबिलिटी हुई तो मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूँ। अनिश उठ, अनिश क्या हुआ? रिलैक्स हो गया, रिलैक्स। मैं दुखता है अपने जैकेट के ऊपर दुखता है। माता के दर्शन करके, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, दर्शन करके गाड़ी में बैठ गए हैं वापस निकलने के लिए। और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने, खाना पीना खाएंगे जहाँ पे हमको अच्छा रेस्टोरेंट मिलेगा। और अब हम फटाफट से घर पहुँच जाएंगे और दो दिन के अंदर हमने वैष्णो देवी माता का ट्रिप जो है वो ख़त्म करना है। ये हमें प्लान किया था, अभी हमारा प्लान सक्सेसफुल होने वाला है। बस खाना खा के अपने घर ही निकल रहे हैं, बस और कोई काम नहीं अपने पास। हमारे यहाँ के सब बेवड़ों को, ये देखो ये सो रहे हैं हमारे यहाँ के बेवड़े।